गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ वीडियो ब्लॉग पे, सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। आज बहुत दिन के बाद फ्रेंड्स मैं मेरा डेली लाइफ का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है सोमवार, तो सोमवार में सब बिजी शेड्यूल है, क्योंकि इतना दिन दुर्गा पूजा गया, लक्ष्मी पूजा, उसके बाद संडे आया, मतलब मिक्सअप करके छुट्टी, इंजॉय, काम, सब कुछ था। लेकिन काम थोड़ा कम था और किचन का काम तो बिल्कुल नहीं था मेरा। सिर्फ बच्चे के लिए थोड़ा बहुत नाश्ता बनाना, मेरे लिए चाय, जो भी हो तो मैं लेके आ गई मेरे चाय। टाटा, ये देखिए चाय बिस्किट आ गए। और सुबह सुबह वो देखिए मैं सब्जी बिठा दिया, क्योंकि अभी बज गए सुबह का 8। बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं तुरंत आके पहले सब्जी बिठाई, फिर मैं सोची चाय पीते पीते आप सबके साथ थोड़ा गप्पे लगाऊंगी, फिर काम पे लग जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों तक गप्पे नहीं हुआ हमारा, है ना फ्रेंड्स। बहुत गर्म, मैं एकदम पूरा ठंडा चाय भी नहीं पी पाती, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है पीना मुझसे। दिन से ना फ्रेंड्स खाना ना बनाते बनाते ना खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, सही बोल रही हूँ, मतलब हैबिट जैसे छूट गया। लेकिन बनाना तो पड़ेगा, इसीलिए सोची क्या बनाऊँ, घर में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, क्योंकि पूजा के अंदर कौन सब्जी लेने के लिए जाएगा, ज़रूरत ही नहीं था। पूरा टाइम हम लोग उधर ही थे, उधर खाना वाना सब कुछ हो रहा था। तो इसकी वजह से घर में थोड़ा सा पालक है, सब थोड़ा सा सब्जी है, फूलगोभी है, क्या बनाऊँ पता नहीं, देखती हूँ जो बनाऊँगी दिखाऊँगी आप सबको। लेकिन आज हड़बड़ी में सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, सही में मानना पड़ेगा, अभी तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी 2 पेपर बाकी है, आज का और कल का, फिर शांति। तो फ्रेंड्स मैं पहले चाय पी लेती हूँ फटाफट। फ्रेंड्स मैं फिर से आ गई, मेरा सब काम हो गया, अभी मैं क्या क्या बनाई हूँ आप सबको मैंने बताया, मैं दिखाऊंगी, चलिए दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मिक्स पालक की सब्जी, इसके अंदर बहुत कुछ डाला मैंने, जो जो सब्जी थोड़ा थोड़ा था सब डाल दिया, बहुत टेस्टी होता है। इधर है भिंडी फ्राई मसाला वाला, ये देखिए, और ये है यम्मी सा फूलगोभी अंडा आलू का सब्जी। हो गया मेरा कोटा कंप्लीट आज का, और चावल तो है। तो फ्रेंड्स आज कुछ कारण है जिसकी वजह से आज सुबह का ब्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया। आज मैं आप सबको लेके जाऊंगी बाहर पोडियम दिखाने के लिए, उसके साथ साथ स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल के ऊपर जो एक रूम है उस रूम में अल्टीमेट क्या क्या होता है सब आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी, इसीलिए सुबह का कुछ नहीं दिखाया। अभी फ्रेंड्स 2:30 बज गए, बच्चे भी एग्जाम देके आ गए स्कूल से, दिखाती हूँ। मैं अभी दोपहर का वेदर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इधर आज बोल के नहीं, कुछ दिन से वेदर बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गए। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अभी मैं मिलती हूँ डायरेक्ट शाम को, क्योंकि शाम को मैं आप सबको लेके जाऊंगी बाहर, जो आज तक मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया तो आज दिखाऊंगी। तो अभी इतना तक ही, फिर मिलते हैं शाम को। फ्रेंड्स शाम हो गया, तो चलिए मेरे साथ मैं कौन सा जगह मैं आप सबको लेके जाती हूँ। फ्रेंड मैं अभी आप सबको दिखाने के लिए लेके आई डायरेक्ट पॉन्ड के पास। ये दोनों साइड में है छोटा छोटा 2 पॉन्ड, बीच में से एक रास्ता। ये दोनों जो साइड में दिखा रही हूँ ना फ्रेंड्स, इधर ना कमल मतलब लोटस खिलता है, बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है। रेनी सीजन में तो पूरा दोनों साइड भर जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए ये चीज़ दिखाने के लिए मैं आप सबको इधर लेके आई। और ये बड़ा सा गार्डन, इधर एक साइड बच्चे खेलते हैं, दूसरे साइड वॉकिंग वगैरह होता है, ये भी दिखने में बहुत सुंदर लगता है।
फ्रेंड्स, आज एक नया कुछ आप सबको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, इधर पूरा पत्थर से ऐसा सर्कल करके रखा, तो इसमें सुबह सुबह चलना बहुत अच्छा होता है पैर के एक्सरसाइज के लिए। ये देखिए, इधर पार्क और गार्डन के अंदर एक छोटा सा हाट भी है। इधर बच्चे खेलते हैं, बड़े भी बैठते हैं। मैं भी कभी कभी आके इधर बैठ जाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कहा आप सबको लेके जा रही हूँ, अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना। ये हमारा सोसाइटी का एक पार्ट है, मैं उधर आज सबको मैं घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ। ये जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये भूल भुलैया जैसा है, मतलब अंदर आना और बाहर निकलना थोड़ा सा टफ है, इतना सारा बूसेस लगा हुआ है ना, लेकिन हम लोगों को हैबिट हो गया है। अभी दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। अभी चलिए मेरे साथ, मैं आप सबको दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ दूसरे जगह, वो जगह और भी ज़्यादा सुंदर है। ये है फ्रेंड्स हमारे सोसाइटी का बहुत ही सुंदर सा स्विमिंग पूल, जो सही में बहुत आकर्षणीय है। तो ये मैं आप सबको आज पूरा दिखा रही हूँ स्विमिंग पूल पूरा कैसा है। उसका आसपास इधर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ है, खजूर का, नारियल का, और आज का वेदर तो बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी शाम के टाइम है तो भी स्विमिंग कर रहे हैं बहुत सारा लोग, क्योंकि स्विमिंग पूल के ऊपर है एक बहुत बड़ा सा घर, तो घर के अंदर ही एक पार्ट है जो जिम, तो जिम अभी खुला है, तो मैं वही चीज़ में दिखाने के लिए लेके आ गई फ्रेंड्स। लेकिन मैं कभी भी जिम पे इधर आई नहीं हूँ, आप सबको दिखाने के लिए मैं आज फर्स्ट टाइम आई। फ्रेंड्स मैं आप सबको जिम पूरा घुमा के दिखा दिया। ये सुबह से लेके शाम तक खुला रहता है, बीच बीच में कुछ कुछ टाइम बंद भी रहता है। तो अभी मैं आप सबको लेके जाऊंगी गेम के उधर। ये रूम है सिर्फ गेम के लिए, इधर बहुत अलग अलग टाइप का गेम है फ्रेंड्स। ये गेम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन बच्चे तो इंजॉय करके खेल रहे हैं। अभी दूसरा गेम भी मैं दिखा रही हूँ, चलिए। इधर बच्चे आके टेबल टेनिस भी खेलते हैं, मतलब बच्चे हर टाइम बिजी रहते हैं इस रूम पे खेलने के लिए। फ्रेंड्स और भी बहुत अलग अलग टाइप का रूम है, लेकिन उधर वीडियो लेना अलाउ नहीं है, इसीलिए सॉरी फ्रेंड्स मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग में इधर ही एंडिंग कर रही हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।